शुरू करने से पहले मैं एक ओथ लेना चाहती हूँ कि मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। नमस्ते, मैं हूँ सोनिया शेख और मैं एक परफॉर्मर, एक डांसर, एक आर्टिस्ट हूँ और आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को मेरी लाइफ की एक सच्ची कहानी। 2001 में मैं दुबई से यहाँ आई विद माई फैमिली ऑफ कोर्स। मेरा पापा का बिजनेस था दुबई पे, बट हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए 2001 में एंड तब से मैं यहाँ पे ही हूँ। मेरा छोटा बचपन बीता है मेरा दुबई पे, बट मैं बड़ी हुई हूँ एक्चुअली इंडिया पे। मैंने यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रगल किसको बोलते हैं, मैंने यहाँ पे ही जाना, यहाँ पे ही सीखा, बिकॉज दुबई पे मेरे पापा के पास मर्सिडीज था एंड वी हैड 4 शॉप्स। फिर वहाँ पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुआ एंड यू नो फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। मेरे पापा को 3 बार हार्ट अटैक हो चुका है एंड उनका 3rd टाइम में पाइपर सर्जरी हुआ था। वहाँ के डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, बोले थे कि आपको इंडिया जाके डॉक्टर देवी सेठी से ट्रीटमेंट कराना है वरना आपका लाइफ रिस्क में है। तो आफ्टर दैट वी केम हियर, वी शिफ्टेड टू इंडिया एंड उसके बाद हम लोग फिर और कभी गए ही नहीं। तब जो आए तो यहीं पर ही रह गए एंड बट मैंने ये सीखा, ये जाना है कि अगर मैं दुबई पे रहती शायद मेरा लाइफ बहुत लग्जरियस होता, बहुत डिफरेंट होता, बट इंडिया में मैं आके सीखी हूँ स्ट्रगल किसको बोलते हैं। एज इन जब भी यहाँ पे स्कूल जाते थे, पहले हम लोग वहाँ पे दुबई में मर्सिडीज, पापा का मर्सिडीज था तो गाड़ी से ट्रैवल करते थे यू नो। अभी हम लोग मेरा स्कूल क्योंकि पास में ही था, टाटा पब्लिक स्कूल मेरे घर के पास ही था, वी यूज टू वॉक बाई यू नो वॉक और मे बी टेक रिक्शा। हम ऑटो लेके बस लेके मैं कॉलेज गई हूँ, तो शायद ये सब वहाँ पे नसीब नहीं होता। एक्चुअल स्ट्रगल क्या होता है मैंने यहाँ सीखा है। तो मेरा स्कूलिंग आफ्टर 6 यहाँ से हुआ है, कॉलेज भी मेरा जयपुरिया कॉलेज यहाँ से हुआ है एंड स्कूल में और कॉलेज में रहते रहते आई केम टू नो दैट आई लव डांसिंग, क्योंकि छोटे से मैं बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ही एक्टिव रही हूँ और हमेशा मैं प्राइज लाई हूँ। मेरे पास आई हैव लॉट मोर सर्टिफिकेट्स, 100 सर्टिफिकेट से ज़्यादा है और ऑलमोस्ट 40 प्राइजेस है मेरे पास, ट्रॉफीज है मेरे पास। तो मैं छोटे से ही हमेशा एक्टिव रही हूँ कोई भी एक्टिविटी में, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो। बट ऑफकोर्स लोगों ने मुझे बोला था कि कोई एक तो ऐसा फॉर्म होगा जिसमें आई विल एक्सेल एंड आई थिंक डांस ही वो ऐसा फॉर्म है जिससे आई कनेक्ट टू पीपल, आई यू नो आई कैन शेयर व्हाट एवर आई एम गोइंग थ्रू। मेरे अंदर जो भी चल रहा है, व्हेनेवर आई डांस आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड आई कैन एक्सप्रेस थ्रू डांस एक्चुअली। सो कॉलेज में रहते रहते भी आई डिड लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, स्कूल में भी आई डिड इंटर कॉलेज बेस्ट, जहाँ पे मैं बेस्ट डांसर का यू नो ट्रॉफी लाई हूँ। एंड धीरे 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 जब मैं कॉलेज में गई 2nd ईयर से आई ट्राइड इवन मॉडलिंग, मैं थोड़ा बहुत मॉडलिंग भी की बट फिर मैंने देखा कि मेरा हाइट उतना अच्छा नहीं है, तो ऑफकोर्स मैं सोची कि कुछ और करती हूँ। फिर आई ट्राइड एंकरिंग, दो मैंने एंकरिंग का भी शोज किया, बट फिर आई थॉट कि नहीं, मेरा दिल तो ध्यान तो एंड मेरा मन भी एक्चुअली डांस पे है बिकॉज आई एम बॉर्न टू डू दैट। और बहुत जल्दी मैं समझ गई थी ये 2nd ईयर, मैं तभी बहुत यंग थी एंड आई जॉइंट डांस ग्रुप यू नो प्रोफेशनल डांस ग्रुप एंड आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग यू नो प्रोफेशनली डांस ग्रुप के साथ एंड धीरे धीरे आई ऑल्सो जॉइंट यू नो डांस क्लासेस। तभी तो कॉलेज में मेरे पास उतना पैसे नहीं होते थे, तो मैंने क्या किया ट्यूशन देना शुरू किया। जैसे ट्यूशन से जो पैसे आते थे उससे मैंने अपना डांस ट्रेनिंग के लिए मैंने अप्लाई किया और मैं 2-3 जगह डांस भी सीखा। आई लर्न भरतनाट्यम, आई लर्न बॉलीवुड एंड आई देन जॉइंट सफायो, इट्स अ कंटेम्प्रेरी डांस स्कूल इन कोलकाता एंड धीरे धीरे वहाँ से शुरू हुआ मेरा डांस का जर्नी। तो कॉलेज में आई वॉज वेरी टॉम बॉय काइंड ऑफ गर्ल, मुझे हमेशा मैं स्कूल में भी हमेशा आई वॉज दी ओनली गर्ल एंड देयर वर लाइक 10 बॉयज टुगेदर हैंगिंग अराउंड। हम लोग दुर्गा पूजा भी ऐसे घूमने जाते थे एंड मेरे पापा मम्मी कूल है इससे को लेकर, दे ट्रस्ट मी अ लॉट एंड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो मैं जानती थी कि मैं बहुत ही टॉम बॉय टाइप ऑफ लड़की हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत हिप हॉप हो गया, बहुत बॉलीवुड हो गया, थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने बेली डांस क्लासेस ज्वाइन किया, बहन मलिक, शी इज फ्रॉम बंजारा स्कूल ऑफ डांस दिल्ली, शी यूज टू कम इन कोलकाता एंड आई यू नो थॉट ऑफ ज्वाइनिंग हर एंड आई डिड ज्वाइन हर
एंड धीरे धीरे उसके साथ क्लास करते करते मैं पेरीगॉन्स को एंजॉय करना लग गई एंड मुझे समझ में आ रहा है कि मैं और भी यू नो पावरफुल हो गई हूँ एज अ वुमेन एंड और भी यू नो बहुत इम्पैक्ट मैं कुछ कर सकती हूँ. मैं आई कैन चेंज फ्यू थिंग्स एंड फ्यू थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म के साथ आगे बढ़ी तो कैसे वो मैं अभी बताऊंगी आपको. ओके सो आई जॉइंट मेहर मलिक एंड बंजारा स्कूल ऑफ डांस इन कोलकाता. तो धीरे धीरे आई गॉट टू नो लॉट मोर आई यू नो माई टिकट मोर. तो मुझे बहुत बेली डांस के बारे में पता चला कि एक ऐसा डांस फॉर्म है जो बहुत ही डीप है एंड यू नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. यू नो ऐसे नहीं हो सकता कि कोई वीडियो देख के बेली डांसर बन जाए. यू नीड एक्चुअल लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड धीरे धीरे ट्रेनिंग लेते लेते मैं अपने आप को ढूंढ पाई बिकॉज यू नो छोटे में हम बींग अ गर्ल आई थिंक हमारे इंडिया में क्या एक्चुअली दुनिया में देर आर सो मेनी वुमेन एंड सो मेनी गर्ल्स जो लोग छोटे में बहुत सेक्सुअली हैरेस होते हैं यू नो. एंड आई वाज आल्सो सेक्सुअली हैरेस बाय वन ऑफ माय क्लोज ब्रदर एक्चुअली कजिन. तो ही यूज्ड टू पिक मी अप ऐसे फिर ऐसे ऐसे मुझे घसते थे अपने बॉडी में जो बहुत ही तब मैं बहुत छोटी थी क्लास फाइव में. तब मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या करे. मुझे लगता था वो खेल रहे. तब मैं दुबई में थी बट देन मुझे ग्रेजुअली बाद में जब मैं बड़ी हुई मुझे समझ में आया ही ऑलवेज यूज टू टेक सेक्सुअल प्लेजर. मुझे ऐसे गोदी में लेके ऐसे ऐसे अपने बॉडी में रब करते थे वो. तो मैं ये चीज़ कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाई और कभी बोल भी नहीं पाऊंगी शायद. बट देन जब मी टू मूवमेंट हुआ आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड आई कन्फेस दैट यस सेक्सुअली हैरेस्ड. आई ऑल्सो हैव बीन सेक्सुअली हैरेस्ड लाइक एवरी गर्ल. मैंने इट हैपेंड एट माई होम विथ माई कजन ब्रदर एंड आज वो हमारे साथ नहीं है. मे बी ही गॉट हिज कर्मा बैक एंड सॉरी गाइज आई गॉट लिटिल बिट इमोशनल. एनीवेज जब भी वो सब दिन याद करती हूँ तो बुरा लगता ही हूँ. बट मैं ये भी सोचती हूँ कि पिछले पुराने दिन को पकड़ के रखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है. शायद मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम था बट मैं दुबई से मैं इंडिया आई. मैं यहाँ पे मैं ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट थी. मुझे पापा ने कभी मुझे नहीं बोला कि पढ़ने बैठ. मैं हमेशा सुबह उठ के पढ़ने बैठती थी. आई वॉज ए गुड स्टूडेंट एंड कॉलेज में भी वही हुआ. बट धीरे धीरे जब डांस आ गया तो मेरा थोड़ा ऑब्वियसली पढ़ाई से ध्यान हट गया. बट आई वॉज नेवर ए बैड स्टूडेंट. लाइक आई फिर कॉलेज में भी थर्ड ईयर में मैं एवरेज मार्क्स से मैं इंग्लिश ऑनर्स पास आउट की. तो धीरे धीरे देन आई स्टार्टेड डूइंग डांसिंग प्रोफेशनली. और बेली डांसिंग ऐसा एक फॉर्म है जिसने मुझे बहुत शक्ति दी. आई डोंट नो आप लोग शायद बिलीव नहीं करोगे कि ये कैसे हो सकता है. बेली डांस एक ऐसा डांस फॉर्म है जो मतलब यू नो इंडिया का मेंटेलिटी के हिसाब से वो एक यू नो बार डांस काइंड ऑफ थिंग है जो सबके सामने नहीं कर सकते. फैमिली लोग नहीं देख सकते. ओ माई गॉड उसका थाई दिख रहा है. ओ माई गॉड उसका पेट दिख रहा है. यार वो कैसे नाचती है लोगों के सामने. कितने लोग कितने कुछ बोलते हैं यार. हाउ डू यू परफॉर्म यू नो विद सो मेनी पीपल सीइंग योर ट्यू सो वाइडली ये वो. बट मुझे कुछ लोगों से ये कहना है आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ वॉट आई एम एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ वॉट आई डू. आई एम वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर इन माई हेड दैट मैं क्या कर रही हूँ. मैं एक बेली डांसर हूँ. बेली डांस के लिए मुझे जो कॉस्ट्यूम्स पहनना है मैं वो कॉस्ट्यूम्स पहनूंगी. बेली डांस के लिए अगर मुझे इंटरेक्ट करना है तो मैं ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करूंगी. जब तक कि मैं अपने नजर में या अपने फैमिली की नजर में नहीं गिर रही हूँ ना ही मैं अपने आप को गिरा रही हूँ तब तक मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ. एंड तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे गलत समझे. अगर समझते भी तो इनको उनका फॉल्ट है बिकॉज ये जो मुझे देख रहे या जो मुझे जान रहे वो उनके ऊपर है. वो मुझे कैसे जान रहे हैं कैसे देख रहे हैं उनके दिमाग को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती. मैं क्या कर सकती हूँ आई कैन वर्क हार्ड. मैं अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकती हूँ. मैं डांस क्लासेस मैं अपनी ट्रेनिंग अपना जो भी है मैं इम्प्रूव करके मैं उनको वायर डांस में उनको जवाब दे सकती हूँ कि वॉट आई एम एंड वॉट आई एम नॉट एंड दैट इज वॉट आई डू. लाइक मेरे पापा भी इनिशियली बहुत अगेंस्ट थे बेली डांस को लेके. नॉट इवन बेली डांस डांस को लेके आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. माई फादर वंस यू नो एक बार एक फैन मुझे यू नो थ्रो करके मारे तो मेरा यहाँ पे एक दाग हो गया था. मेरा अभी भी एक दाग है यहाँ पे. गाइस कैन सी. तो पापा मेरी मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट की है डांस को लेके. मैं एक दिन शो करने गई थी चंदन नगर में जो कि बहुत दूर है कोलकाता से. जब मैं लौट के आई तब तक सुबह के 4 बज गए थे बिकॉज काफ़ी दूर था. वहाँ पे हम लोगों का गाड़ी भी खराब हो गया था. सो माई फादर यू नो जस्ट थ्रो दैट फैन टूवर्ड्स मी एंड आई गॉट हर्ट. दैट वॉज इन मे बी सेकेंड ईयर एंड में. तब मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी. आई वॉज ए बैकअप डांसर.
तो पापा बोले कहाँ गई थी तलाक पे, बार बार में नाचने गई थी, हाँ बार में नाचने गई थी। तो मैंने बोला कि नहीं पापा, मैं बार में नहीं करने गई थी, मैं शो करने गई थी, एक डांस ग्रुप के साथ शो था, आपको पता है। तब मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी समझाई मेरे को, और मम्मी हमेशा से मुझे हेल्प करती थी। जब लेट होता था शो पे, मम्मी चुपके से गेट खोल लेती ताकि पापा को पता ना चले। तो ग्रेजुअली आई स्ट्रगल बहुत टाइम बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग बैली डांसिंग एंड सोलो डांस शोज में करने लग गई। एंड उसके बाद जब मैं सोलो डांस शोज करने लगी, साइड बाई साइड मेरे जब मैं फेमस होते गई तो मेरे इंटरव्यूज आने लगे। तो इंटरव्यूज आने लगे, फिर मैं पैसे जमाते गई, उस पैसे से मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए मैंने अप्लाई किया है। बहुत सारी कंट्रीज में मैं इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। प्राग में 2015 में मैं फर्स्ट आई हूँ अमंगस्ट 20 कंट्रीज, एंड लास्ट ईयर मैं पोर्तुगल में थर्ड आई हूँ अमंगस्ट 8 कंट्रीज, एंड लास्ट ईयर वापस अगेन फ्यू मंथ्स बैक मैं स्पेन में फर्स्ट आई हूँ अमंगस्ट 30 डिफरेंट कंट्रीज। सो मैंने इंडिया को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया बैली डांस को लेके, फ्यूजन डांस को लेके, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि आई मेक थ्रू इट। या सो इंडिया के आसपास बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सब में तो आई हैव ट्रैवल्ड ऑफ कोर्स, बट थोड़ा दूर जाए तो आई हैव ट्रैवल्ड टू ऑस्ट्रेलिया, आई हैव ट्रैवल्ड टू वेस्ट अफ्रीका अबिजान, आई हैव ट्रैवल्ड इन स्पेन, प्राग, पुर्तगाल, आई हैव ट्रैवल्ड टू कजाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ एज अ डांसर, एंड मैं ये सब देशों में अपना डांस का जलवा दिखा चुकी हूँ। तो आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल अभी मेरे पापा प्राउडली बोलते हैं सबको कि हाँ मेरी बेटी है जो बहुत स्ट्रगल करती है, क्योंकि मैंने पापा को एक ही बार बोला था जब पापा मुझे वापस बोलते थे कि तू बार में नाचती है क्या, तू इतना लेट क्यों करती है शो से, ये वो। तो मैंने पापा को एक दिन समझाया, पापा जो बार पे नाचते हैं ना, वो लोगों का इंटरव्यू न्यूज़पेपर्स पे नहीं आता, वो लोगों का डांस टीवी पे नहीं दिखाया जाता। तो पापा उस दिन समझे कि नहीं, मैं एक्चुअली मैं वर्कआउट कर रही हूँ एंड बहुत मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बहुत मेहनत करती हूँ। अभी भी एंड माई ट्रेनिंग इज ऑन, अभी क्वारंटाइन में भी आई एम यू नो प्रैक्टिसिंग वर्किंग आउट, एंड मैं अपना वीडियोज बना रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो मेरी ट्रेनिंग कभी नहीं रुकी है, लाइक इट्स बीन 8 ईयर्स आई एम डांसिंग प्रॉपरली, एंड 8 साल में मैं आराम से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ट्रेनिंग नहीं रुका है, मेरा डांस नहीं रुका है, मेरा जज्बा नहीं रुका है, मेरा आगे देखना नहीं रुका है, और मैं कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखना चाहती हूँ। बट मैं हाँ ऑफकोर्स मैं पास्ट को नहीं भूलना चाहती हूँ, बिकॉज पास्ट ही है जो आपको बनाती है। मैंने पास्ट को जकड़ के नहीं रखा, जैसे बहुत लोग अपने पास्ट को लेके बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे ये चाहिए था। ऐसा नहीं है गाइज, इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो और आप क्या कर सकते हो। इफ़ यू सी द लाइफ विद पॉजिटिविटी, तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होगा। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि सब खुश रहे, मैं सबके खुशियाँ बांटूँ और पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ। मेरा हमेशा काम ही ये होता है कि मैं सबको हंसाऊँ, एंड आई रियली एन्जॉय दैट, बिकॉज इट इज़ लोग सब चीज़ भूल जाएंगे, बट आपको याद रखेंगे आपके बिहेवियर और आपके नेचर के वजह से। अगर आप खुश हो तो आप सबको खुश भी रख सकते हो। या सो यही थी मेरी डांस कहानी। अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग, मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ डांस पे एक नाम कमाने का, एंड मैं बहुत जल्दी एक डांस स्कूल भी खोलने वाली हूँ, बैली डांस इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, एंड आई होप कि मैं डांस के जरिए मैं सबका दिल जीत सकूँ और आप सबको मनोरंजित कर सकूँ। एंड आई होप यू लाइक मी एंड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा कहानी, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग देयर विथ मी, एंड हमेशा मेरी सपोर्ट करने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फैंस जो भी है अभी, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने और भी बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा कुछ कर सकूँ और मैं लाइफ में बहुत नाम कमा सकूँ। आप लोगों के आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।